सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं गुड्डी देगी अपने नए ब्लॉग और सबसे खूबसूरत शहर हमारा देहरादून उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज अभी सुबह के बज रहे हैं 12:45, बड़ी बदुआ। और अभी निकल रखी हूँ मैं, पहले आपको फूल दिखाती हूँ, कितने सुंदर फूल खिल रखे इस पर। पर ये पेड़ बहुत बड़ा होता है। तो मैं निकल रखी हूँ अपनी शादी की दावत देने के लिए। तो परसों 11 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह 25 हुई कम्प्लीट। तो यहाँ जा रखे मैं और मेरी जिठानी और सिमरन की मम्मी। तो हम लोग जा रहे हैं लोगों को दावत देने के लिए। दुल्हन खुद ही जा रही है, यहाँ तो दावत दे रही है। एक नीतू बड़ोला, पुष्पा बड़ोला, हमारी पहाड़ी क्या बोलते हैं, सपना चौधरी है हमारी, ठीक है कि वो सपना चौधरी है हमारी, हमारी किसी सपना चौधरी से कम थोड़ी है। ये लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम दोनों, ये लड़ाई नहीं करनी भाई। हम अच्छा अच्छी बात बोलने आ रखे, दावा देने आ रखे। आओ, कहाँ जा रहे, गप्पो पे लग जा रहे, आ थोड़ी रे, आओ। हम ऑर्डर भी दे रहे ना नींबू पानी का, हम थक के आएंगे तो नीतू बड़ोला हमारे लिए नींबू पानी बना के रखेंगे। हम इन पे दोस्त भी दिखाते है ना, दोस्त भी हर किसी पे नहीं दिखाया जाता है, खास खासों पे ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो अभी जा रहे हम लोग आगे दूसरी कॉलोनी में। ये उन्हें कॉलोनी तो छूट गया, अगले भी अच्छे लग रखे हैं हमारे देहरादून में। नहीं, अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं भाई साहब। आपके पुतना चाहिए मा अच्छा, मरचो पौधा, अच्छा मरचो पौधा तो कौन, हाँ ठीक है। अच्छा आप गमलम है तो वो खाली पड़ी तो एक थोड़ा, हाँ ना ना इस्तेमाल हो जाए, सही बात है। बहुत अच्छा बढ़िया आप लोगों भाई का, बहुत अच्छा करिए आप लोगों, सुंदर लोगों में टाइम लग जाता है ये लाई में बेल। इसे हम तो पकौड़ी की बेल बोलते हैं, पर पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो जैन जाते जो चीज अच्छी दिखती है वो हम लेके आ जाते हैं, साथ ले जाते हैं साथ साथ। अगर किसी ने प्यार से वो मांग के दे दिया तो ठीक है, नहीं तो चोरी कर लेती हूँ नहीं तो रात को सही में चोरी, इन चीजों की तो चोरी करती हूँ मैं, फूलों की। वो देखो आगे खड़े होके गाली दे रहे मुझे, ये हाल है इनके, कट्ठे ये खड़े होके कद्दू चैनी। रेखा रानी को भी बोल दिया, रेखा रानी बस दिखाने आ गए हम लोग हैं। कितना सुंदर फूल है सितारा, लाल वाल भी मिडल याले, हाँ एक लाल तू किसे दबर बड़े चाय वो बिजी बट ठंड पानी यो गरम हो रहा बहुत, सही में गरम हो रहा है यार। वैसे कल से तो मौसम ठीक है, अभी मेरी जिठानी भी घर चली गई और देख रहे कितना हाँपने पे लग रखा है बेचारा, ये देखो हैं किसने बोल रखा है धूप में, चल छाए में बैठ। और ये फूल चोर चोर के ला रहे हम दोनों, रह गए मेरी जिठानी तो भागी घर, मेरी जिठानी को पड़ गया था काम, सिमरन की मम्मी रहेगी साथ, मैं दोनों के दोनों ये चोर चोर के ला रहे फूल। तो अभी एक कॉलोनी एक लाइन रह गई है कॉलोनी की, कमेंट में बताना कैसा कर रहे हैं, कैसे फूल लग रहे हैं, ये अच्छा काम है कि गलत काम है। देहरादून में चकोतरे का मौसम भी आ गया है, फल दिसंबर में पकता है, दिसंबर और जनवरी फरवरी तक रहता है। कितने वाइट फूल खिल रखे हैं यहाँ। तो अभी कुछ लोगों को बोल के आ गए हैं, ये कॉलोनी तो पूरी हो गई है, थोड़ा हमारे घर के परली तरफ की कॉलोनी रह रखी है और बहुत भयंकर धूप हो रही है, धूप क्या थोड़ा बादल हो रखे तो सही है। और अभी सुबह के अगले दिन के बज रहे हैं 11 और 11 बजे मैं आ रखी हूँ अपने पति देव के साथ यहाँ छत में, क्योंकि हमारे में जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि लूना महाराज बली आ गई, तो हमारे में भैरव के नाम की भेली फाड़ते हैं। तो क्योंकि हमारे में सबसे पहले अपने पितरों का और जो इष्ट देवी देवता है उनका नाम लेते हैं, तो वैसे हमने गढ़वाल में अपने जो गांव गए थे वहां भी नहीं फाड़ सकी भेली, क्योंकि भैरव वहां सारे गांव का था और पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए हम लोग वहां हम लोगों ने वहां भेली नहीं फाड़ी। पर देवी अलग थी हमारी शरण में और परिवार से भी अलग थे, तो हम लोगों ने तब वहाँ खाली भंडारा ही किया। तो अभी मेरे पति देव फाड़ रहे भैरव के नाम की भेली। ओम बनाओ, हल्दी अरी हल्दी नहीं लाई में, हल्दी ला, हल्दी लाओ। जल्दी जल्दी मैं हल्दी रखना भूल गई थी तो अब रख दी मैंने हल्दी और हो गया।
चलो भाई हमारे भैरवनाथ जी की पूजा तो हो गई है और अब मैं जाती हूँ नीचे। आज मेरे पतिदेव काफ़ी टाइम नवंबर से अब आए छत में, वो भी मजबूरी में, क्योंकि हमने भैरव जी की भैली फाड़नी थी। तो राम राम से चलो। अभी दिन के बज रहे हैं 4:15 और मेरे घर में प्रोग्राम शुरू हो गया है, पर प्रोग्राम हो रहा है शुरू कीर्तन से। और ये है मेरे पीछे की दुरानी तीसरी नंबर की। हम 4 दुरानी जिठानी हैं, 3 है यहाँ पे और एक अभी आएगी। तो मेरे घर में हो गया है कीर्तन शुरू। अभी अब आएंगे बाकी, और बाकी यही तक है। ये सबसे पहले आई मेरी सहेली। अच्छा ये सब मेरी सहेलियाँ है, दूसरे तरफ यहाँ चाय नाश्ता की तैयारी। आज थोड़ा टेम्परेली होगा क्योंकि पार्टी कल है, तो आज तैयारियाँ ये और यहाँ कर रहे हैं रुचि रावत और मेरा भाई और मेरे पति ने बना लिया पकौड़ी। तो कुछ बन रही है आलू की पकौड़ी और की ब्रेड पकौड़ी। इसका अलग ही गेम चल रहा है यहाँ। इसका गेम दिखाना, कौन सा गेम चल रहा है ये।
वीडियो गेम करो। आप कुछ बोलोगे? हैप्पी एंगेजमेंट। थैंक यू। हम लोगों का जो भी कीर्तन का प्रोग्राम था वो अच्छी तरह निपट गया है और कुछ लोग जा चुके हैं, थोड़ी बहुत रह रखे हैं मेरे साथ की मेरी सहेलियाँ। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि घर में प्रोग्राम था तो नहीं हो पाता है। और मेरे साथ के ये है सीमा दीदी, ये भी काला, ये जामुन वाले की है सीमा दीदी, ये जामुन वाले से हैं और ये कल्लू वाला से है। ये कल्लू, हाँ, ये हेमा, क्या तुम्हारे कास्ट का रावत, रावत हेमा रावत नहीं, अब तो रावत हो गई है, कह रही आगे। और ये भी हमारे पड़ोस में, ये भी चित्रानी है हमारी, तो हम तीन लोग थोड़ा फोटो शूट करते हैं। आजा। सारी सहेलियां गर्म से बाहर आ गई है, गर्मी से, ये देखो क्या मजे आ रहे हैं। पुष्पा हमारी पाड़ी, वो क्या नाम इसका, भूल जाती हूँ मैं, सपना चौधरी, पाड़ी सपना चौधरी, आ जाया करो, बहुत बढ़िया से। इधर गाना गा रहे हैं। क्या मजा आया चीज का। जेठ के महीने में कौन सा पवन करता, सोर भाई झूला तोड़ा, यो राज मैं झूला तोड़ा है, वेदना मेरा लाणो किरण दीदी बदला लेनी हो लाभ मी से। यहाँ अब गप्पे सप्पे लग रही है कीर्तन होने के बाद, थोड़ा चाय पानी हो गया है। पापा घर में बोल दिया था इसने, दे पुष्पा तुझे धमकी दे रही, बताए ने तुझे धमकी दे रही है, बिल्कुल नहीं झुकेगा, अतल नहीं झुक गया सर, सर झुक गया, बल झुकेगा नहीं। पैरों में झुकेगी हमारे, है ना, सही बात है। सोचे इनका पेट नहीं भरते पापा, गोप रह रखा मेरा, बाय सारा दीदी का सिंचा दीदी तैयार रहना, राती बारात लेके जाएंगे दुल्हनिया को साथ लेके। धन्यवाद ओ पुष्पा छोरी, धन्यवाद, बाय बाय, चलो ओके, आई छोटू दौड़ता घूमी, चलो बाय बाय। हाँ जीना झील रे, मैं दगड़े थे कि जैसा ही बात है, हाँ कन्नी पर नजर लगाई, हाँ बका खाने देख देखे। रात के बज गए हैं ठीक 10 और हमारे गप्पो गप्पो में पता ही नहीं चला, और अब हो रही है यहाँ रोटी बनाने की तैयारी। ओहो हाँ, क्या कहना चाह रहे हो आप, वाइन शॉप में खड़ी हो गई है, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ही बोलो तुम्हें गप्पो गप्पो, अभी दूल्हे की साइड है दुल्हन की साइड, तुम ये बताओ पहले, अभी तुम बीच में दोनों साइड हो, आने की नींद पूरी हो गई, बस वाती बल कहाँ दुल्हन के सामने, इधर बन गई हमारी सारी रोटियां, और हाँ लगाना, और इधर लोगों ने तो खा लिया है, मेरी ननद और हम लोग रह रखे खाने के लिए, अब हम लोग भी खाते हैं खाना, तब मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में, लगे हैं रोटी और रह रखे लास्ट में।
रात के 11:30 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चलता जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो पता ही नहीं चलता कब कितने बज गए। हम वैसे ही 12-1 बजे 1:30 बजे तक उठे रहते हैं, तो अब तो खैर सभी थे साथ में। हाँ बोलो क्या बुना छो तुम? हम जा रहे हैं ब्योली के लिए गिफ्ट लेने। ओके, ये बता के जा रहे हैं मुझे गिफ्ट लेने, गिफ्ट सरप्राइज होता है कि बता के जाते हैं ये बताओ? हमारी ब्योली को 2 दिन पहले से पता है। चलो ठीक है, 2 दिन पहले से पता है कि हम उनके लिए क्या गिफ्ट ला रहे हैं। क्या गिफ्ट ला रहे हैं? हम बहुत अच्छे लोग हैं। ए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ने कहा था बाय 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 बाय, मैं भी लगाने जा रही हूँ। ओके बाय। अभी दिन के बज रहे हैं 12:15 और मैं जा रही हूँ पड़ोस में मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि कल से हमारी मेहंदी भी नहीं लगी, ऐसे रह गए हम लोग गप्पों में। और अभी मिले थे मुझे पुष्पा लोग, तो कह रहे तुझे गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, हमारा ब्लॉग बना। तो अभी वो गए, मेरी सहेलियाँ गई कुछ गिफ्ट लेने, पता नहीं क्या जो भी है, पर मैं पहले फिलहाल लगाती हूँ मेहंदी। ये पहले एडवांस में बैठ गए, अभी जा चिंद रुको, तुम क्या करना है ना, तू जल्दी करी तू लगा दे। जब उसने बोला कि हां परसों देखा मैंने निकला हुआ था, अच्छा परसों में दो है, मैंने कहा हां हां तो किसको क्या बोलना, सही बात है देलवाल को। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:05, मैं जा रही हूँ थोड़ा तैयार होने के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं तैयार होने के लिए। कौन तू आ रही मुझे छोड़ने?